अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं स्टेट ब्लास्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेटिक वीडियो टफ पेपर लगाने के हवाले से। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टफ टाइल जैसे ही लग जाती है, कुछ अर्से बाद टफ टाइल जो है बैठ जाती है। दोस्तों, इंशाल्लाह जिस मेथड जो हम आपको बताएंगे, इस तरीके के ज़रिए अगर आप टफ टाइल लगाएंगे तो इसमें 0% चांसेस होंगे टफ टाइल के बैठने के। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मुकम्मल इसका प्रोसेस करना होता है टफ टाइल को लगाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले इसकी फिलिंग की जाती है। फिलिंग को प्रॉपर कॉम्पैक्टर के साथ इसका कॉम्पैक्ट किया जाए। जैसे ही आपकी फिलिंग की कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर जो है ग्रेवल, ब्रिक ब्लास्ट या आप कोई और रोड़ी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड़ी वगैरह उसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट करने के बाद इसके ऊपर कॉम्पैक्टर चलाया जाता है ताकि इसकी ड्रेसिंग हो जाए। जैसे ही दोस्तों हम इसकी ड्रेसिंग फाइनल करेंगे, इसके ऊपर फिर हम कंक्रीट करेंगे। कंक्रीट हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच कर सकते हैं। कंक्रीट करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि इसके बैठने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। जैसे ही आप कंक्रीट फाइनल करेंगे, कंक्रीट फाइनल करने के बाद उसकी क्यूरिंग के बाद दोस्तों इसके ऊपर, क्योंकि टफ टाइल लगाने के लिए इसके बॉटम में नीचे 1.5 से 2 इंच सैंड कुशन होता है, आपने एक लेयर सैंड की लगा देनी है 1.5 इंच की तकरीबन। तो सैंड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर दोस्तों आपने कॉम्पैक्टर चलाना है जिससे इसकी ड्रेसिंग हो जाएगी। ये देखें, आप अगर इस वीडियो को गौर से देखें तो हमारा जो है लेबर मैन प्रॉपर इसके ऊपर कॉम्पैक्टर चला रहा है और इसकी बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग कर रहा है। जैसे ही इसकी ड्रेसिंग होती जाएगी दोस्तों, इसके ऊपर प्रॉपर पीछे से लेवल करने के बाद मैसन जो है अपने टफ टाइल लगाना शुरू कर देते हैं। टफ टाइल लगाते हुए इसके लेवल का ख़ासकर ख्याल रखा जाता है ताकि इसके ऊपर पानी ना खड़ा हो। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर एक चीज़ है जो नोट करने वाली है दोस्तों, वो ये है कि जब भी आप टफ टाइल लगाएं तो इसमें कोशिश करें कि इसके एजेस को उसको बाउंड ज़रूर करें ताकि टफ टाइल उखड़ना शुरू ना हो। तो इसके एजेस को बाउंड करने का तरीका भी इंशाल्लाह आज हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये देखें, इसकी ड्रेसिंग होने के बाद मेरे मैसन्स किस तरह खूबसूरत अंदाज में ये टफ टाइल लगा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह टफ टाइल लगाएंगे तो इसके अंदर 0% चांसेस होते हैं कि टफ टाइल आपकी बैठेगी। ये देखें, हमने बेड तैयार कर लिया है, टफ टाइल लगाना शुरू कर दिया है और इसे एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम इसकी एजेस को बाउंड कर रहे हैं कंक्रीट के साथ। इसकी प्रॉपर लेवल की है, स्लोप दी है इसको ताकि पानी टफ टाइल के ऊपर ना खड़ा हो। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर इंशाल्लाह टफ टाइल के बैठने के 0% चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। और मज़ीद अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे इनबॉक्स में भी रابطہ कर सकते हैं। इसी स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है 0300-718-191, आप उस पर भी रابطہ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा मुल्तान में बहुत से कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, लेकिन अब हमने ये प्रॉपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं अपने देखने वाले व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी वीडियो शेयर कीजिएगा। ये देखें दोस्तों, अब टफ टाइल लग चुकी है। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त टफ टाइल लगी हुई है। दोस्तों, इस तरीके के साथ अगर आप टफ टाइल लगाएंगे तो इसमें इंशाल्लाह टफ टाइल के बैठेंगे 0% चांसेस होंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, देखते